नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। ये वीडियो केवीएस से रिलेटेड है। केवीएस वैकेंसी या इस साल में केवीएस की वैकेंसी को लेकर क्या चीज़ें रह सकती हैं उसके ऊपर है। काफ़ी दिनों से बच्चे डिस्कशन के लिए बोल रहे थे इसके ऊपर, और जब कुछ कंक्रीट न्यूज़ होती है तो हम डिस्कशन के लिए आते हैं। केवीएस की प्रिपरेशन के लिए ये बोल सकते हैं, केवीएस क्या किसी भी प्रिपरेशन के लिए, ये जो इस समय आपको लॉकडाउन का जो एक तरह से गोल्डन पीरियड मिला था, हम ये मानते हैं कि समय बिल्कुल ख़राब है, समय स्वास्थ्य की चिंता सबसे ज़्यादा करने को बोलता है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर वो ईमानदारी से मेहनत करते होंगे तो। और आपने ईमानदारी से मेहनत की होगी तो आपको लग भी रहा होगा कि पिछले एक दो महीनों में आप लोगों ने कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। खैर, टॉपिक पे रहते हैं। केवीएस वैकेंसी पे बात करनी है, केवीएस भर्ती के ऊपर। देखिए, जब से ये ग्लोबल महामारी आई है, पैंडेमिक हुआ है कोरोना वायरस का, इसकी वजह से दुनिया स्थिर सी हो गई है और सारी सरकार की प्रायोरिटी सिर्फ हो गई थी कि लोगों को कैसे बचाया जाए और लोगों के सर्वाइवल के लिए फ़ाइट किया जाए। बात भी सही थी, और ये सर्वाइवल की लड़ाई हम सबके लिए थी। इसमें नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है कि सब कुछ रुक गया, सब कुछ आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप लोगों ने कभी भी मेरे अगर लाइव सेशन देखे होंगे तो मैंने हमेशा बोला था चीज़ें डिले होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी रूटीन पर नहीं आएगा। अब कुछ कुछ वैसा होता दिख रहा है ना। अंत तक वीडियो देखिएगा, मैं पूरी चीज़ें बता दूंगा कैसे क्या हम लोग देखते हैं, क्या कुछ वैकेंसी के ऊपर हो सकता है। देखिए, अभी हाल ही में एचआरडी मिनिस्टर का के बयान के मुताबिक अखबार में एक दो जगह कटिंग्स मिली आपको, या एक न्यूज़ देखने को मिली है कि सरकार बहुत सीरियस है, जो भी केवीएस में पद खाली हैं, साथ में भारत सरकार के जो यूजीसी के अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं उसमें भी जो पोस्ट खाली है उसको लेके सरकार उसको भरने की कवायद करेगी, जैसे ही ये मैटर सॉर्ट आउट, जैसे ही ये समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी। डेडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, 12,000 लोगों को भर्ती करने के लिए बोला गया है, जिसमें केवीएस को भी बोला गया है। इसका मतलब केवीएस की जो हमारी 6,000 से 7,000 पोस्ट हैं, मैं 6,000 प्लस मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कंजर्वेटिव हो गया अगर हम सोचें तो, केवीएस की 6,000 के आसपास वैकेंसी जिसमें पीआरटी टीजीटी पीजीटी इंक्लूडेड होते हैं, वो इस साल जरूर आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उछल के कभी भी आ जाएगी या बस 15 दिन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को दो फैक्ट ध्यान देने होंगे, रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट की अप्रोच आपने देखी है, गवर्नमेंट अब जीरो फिगर की तरफ बिलीव नहीं कर रही है कि कोरोना का जीरो फिगर होगा, सब कुछ पहले की तरह होगा तब हम सब कुछ करेंगे। जी नहीं, अब हमें प्रेजेंट सिचुएशन के साथ अपने को अडेप्ट करना होगा, हमें जिम्मेदारी समझ के समाज में आगे बढ़ना होगा, है ना। जो कमज़ोर लोग हैं घर में आराम करेंगे, मजबूत लोग आगे नौकरी करेंगे, काम करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था घूमेगी, और इसके लिए चीज़ें दिख रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो रही हैं। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि 2 से 3 महीने में यहाँ से काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जो मेरा मानना है, अगस्त के बाद ही आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइम कितना है, मुद्दा ये है, मुद्दे की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज केवीएस बहुत ही स्ट्रिक्ट है टाइम बाउंड चीज़ों को लेके। केवीएस की वैकेंसी अगर आती है तो आपने देखा होगा 2 से 3 महीने में वो एग्ज़ाम करा लेते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 महीना, है ना। अब इस परीक्षा के लिए समय कितना ज़रूरी है, कितने समय की नीड है, अब ये बता दें। केवीएस का अगर हम पीआरटी का या टीजीटी का पेपर देखें तो पेपर बहुत ओपन एंडेड पेपर होता है, है ना। इसके लिए 2 से 3 महीने में प्रिपरेशन करना आसान नहीं होता है, कम से कम एम्पल टाइम होना चाहिए। अभी हम लोगों का केवीएस का बैच ऑलरेडी चल रहा था, जो कि दिसंबर से पहला बैच था, वो काफ़ी कवर हो गया है, और जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस फायदे में रहेंगे। तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि अब इस न्यूज़ को आप मोटिवेशन की तरह लीजिए, और इस चीज़ पर आप डिस्कशन करना बंद कर दीजिए कि वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। बहुत लोग बोल रहे थे 1 साल तक वैकेंसी नहीं आएंगी, हाँ उनकी बातें भी ठीक हो सकती हैं कि नहीं आएंगी, सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन ये न्यूज़ आने से आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि जब भी वैकेंसी आएंगी सब कुछ बहुत जल्दबाजी में होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अपनी एक चीज़ क्लियर होगी कि प्रिपरेशन के लिए आपको ये श्योर हो गया कि है ना वैकेंसी जरूर आएगी इस साल में, दिस ईयर श्योर, है ना। अब प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, और अच्छे से 6 महीने चाहिए, अच्छे खासे, बिकॉज इसमें वेटेज जो होती है साइंस, EVS, GS, कंप्यूटर, हिंदी और लास्ट में पैडागोजी, जबकि टीचिंग की और परीक्षाओं में से पैडागोजी को ज़्यादा वैल्यू की जाती है, लेकिन यहाँ यही डिफरेंस है कि यहाँ ये ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, और इसीलिए सिलेक्शन के लिए ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप लोगों ने मेरे साइंस के लेक्चर देखे होंगे, वो लेक्चर में कुछ और अब आगे बढ़ाऊंगा। वैसे हम लोग का केवीएस का बैच भी चल रहा है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। पिछली बार हम लोगों ने जो बैच चलाया था उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कितने बच्चे थे, तो आप चाहे तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
या KVS के जो मेरे लेक्चर इस पे हैं उसमें मैंने डिटेल तरीके से बताया हुआ है कि कैसे आपको क्या क्या बुक्स लेके प्रिपरेशन करनी है। 7678668 27 पर हमारा PRT का TGT का कम्बाइंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल इस पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ श्योर है कि इस साल में वैकेंसीज ज़रूर देखने को मिलेंगी, बिकॉज मेरे हिसाब से कम 1800 से 1900 आपको PRT और इतनी ही करीब 2 से 2500 TGT की पोस्टें आपको देखने को मिल सकती हैं, और ओवरऑल 6000 के आसपास पोस्ट देखने को मिल सकती हैं जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग की सारी पोस्टें हो सकती हैं। अगर हम कंजर्वेटिव ही होकर सोचें तो एटलीस्ट 1500 पोस्ट तो आनी चाहिए KVS PRT की, और इतनी ही TGT की आनी चाहिए। और TGT में भी चीज़ें आसान हैं और बोर्ड के मुकाबले, कॉमन पेपर आता है, GS की वैल्यू ज़्यादा है, पैडागोजी बहुत नॉर्मल क्लासरूम टाइप पैडागोजी आती है, टिपिकल पैडागोजी नहीं आती है, हिंदी आती है, कंप्यूटर आ जाते हैं, इससे आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन के लिए इस बहाने को तैयार रखिए और अब लग जाइए प्रिपरेशन में। जल्द ही मैं नया लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि क्या बुक्स किस तरीके से इस प्रिपरेशन को लेकर आगे बढ़ना, और साइंस का लेक्चर नंबर 8 भी आज रात तक आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।